Assalamualaikum friends, welcome back to my channel Living It Every Day. और आज Saturday है और इस वक्त शाम की I guess 5:30 बज रहे हैं. रोज़ा खुलने में अभी थोड़ी सी देर है, तो हम लोग मैंने सोचा मैं और ज़ैना थोड़ी देर बाहर आ जाएं. हम लोग बाहर आ गए. मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा था वो हमारे साथ आ जाएं, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब उनका मूड नहीं हो रहा था, बोल रहे थे मैं रेस्ट करूँगा. तो आज मैं खड़ी हुई हूँ होम सेंस के सामने. मैं आपको ये बता दूँ कि कल हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह हैं. वो ओशवा में रहते हैं और कल उनके घर पे इफ्तार की दावत है. तो उन्होंने हम कल फिर ओशवा जाएंगे जो यहाँ से दूर है, आई गेस 1 घंटा तो दूर है, यहाँ के 1 घंटे की ड्राइव है यहाँ से. तो मैंने सोचा कि मैं हमेशा हम कभी भी जाते हैं किसी के घर पे दावत वगैरह में तो कुछ ना कुछ हम लेके चले जाते हैं. अगर कोई किसी के यहाँ पहली दफ़ा जा रहे हो तो कोई प्रेजेंट अच्छा सा ले जाते हैं. अगर रूटीन में जाते रहते हैं तो यूजुअली हम कोई मीठा ले जाते हैं. कभी मेरे हस्बैंड मोस्टली बाकलावा लेकर आ जाते हैं, बहुत अच्छा. तो लेकिन आज मैंने सोचा कि चलें क्योंकि इफ्तार की दावत है, तो मैं भी कुछ बना के उनके घर पर ले जाऊँ. और डिज़र्ट आई गेस इज़ द बेस्ट थिंग जो मैं बना सकती हूँ. और मुझे इतने ज़्यादा डिज़र्ट नहीं आते, लेकिन थोड़े बहुत जो डिज़र्ट्स आते हैं उसमें से मैं एक जो डिज़र्ट मैं बहुत शौक से बनाती हूँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और वो फ्रूट कस्टर्ड, जिसको फ्रूट ट्राइफल भी कह सकते हैं. कुछ कुछ किताबों में मैंने रशियन पुडिंग भी पढ़ा था, उसको कहते हैं. तो होम सेंस आने का बेसिकली जो मेरा मकसद था वो एक, मेरे पास डिज़र्ट बोल नहीं है, तो मैं वो डिज़र्ट बोल लेने आई हूँ. लेट्स सी, मैं खुद फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर होम सेंस, तो मुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ पे जो कितनी एक्सपेंसिव है, कितनी मेरे बजट में कोई चीज़ मिलती भी है या नहीं मिलती. ऑल दो ये अच्छा, एक और मज़े की बात मैं आपको बताती चलूँ. ये जगह मेरे घर से बिल्कुल आई गेस 2-3 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन और मैं अकेली, मैं और ज़ैना आए हैं और मैं गूगल मैप के थ्रू आई हूँ. तो मेरे ख्याल से मुझसे बुरा डायरेक्शन सेंस किसी का नहीं होगा इस दुनिया में. और मैप्स पढ़ने में जितनी मुझे मुश्किल होती है ना, शायद ही किसी और इंसान को होती हो. तो मैं काफ़ी 2-3 गलियां भी मैं भूल गई, मैं 2-3 टर्न्स भी, एग्जिट्स भी मैं मिस कर गई, और बड़ी घूमते घूमते ही मैं यहाँ पे पहुँची हूँ. हालांकि बहुत करीब जगह है तो, लेकिन इवेंचुअली हम लोग पहुँच गए हैं. अब मैं अंदर जाके थोड़ा राउंड लगाते हैं और मैं देखती हूँ कि यहाँ पे डिज़र्ट बोल मिलता है. अगर मेरे बजट में आएगा तो ही मैं लूँगी. मैंने ऑनलाइन लिखा था कि मैं तलाश करूँ, तो काफ़ी सारे लोगों ने होम सेंस रिकमेंड किया था, और कुछ लड़कियों ने ये भी लिखा था कि वॉलमार्ट पे ही मिल जाता है. तो अगर यहाँ मेरे बजट में आएगा तो ही मैं लूँगी, वरना मैं वॉलमार्ट का भी एक चक्कर लगाऊंगी. तो लेट्स गो इनसाइड. तो होम सेंस के अंदर जाते ही मुझे सबसे बड़ा शॉक ये लगा कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे किचन स्टफ प्लस की तरह कोई किचन आइटम्स की शॉप होगी. लेकिन मुझे सोचना चाहिए था कि एज द नेम सजेस्ट, होम सेंस में होम से रिलेटेड सारे आइटम्स मौजूद होंगे. किचन आइटम्स का बस छोटे छोटे से 1-2 आइल्स ही मुझे दिखाई दी, और मुझे डिजर्ट बोल का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था. और मैंने वहाँ के एक स्टाफ मेंबर से पूछ लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बोल काफ़ी अरसे से आउट ऑफ स्टॉक है. कोई और टाइम होता तो मैं शायद यहाँ पर विंडो शॉपिंग के लिए ज़रूर रुक जाती, लेकिन इफ्तार का टाइम करीब आ रहा था तो मैंने सोचा आई शुडंट वेस्ट माई टाइम हियर. उसके बाद हम लोग वॉलमार्ट आ गए, जो कि मुझे वैसे ही आना था क्योंकि सिर्फ डिज़र्ट बोल ही नहीं बल्कि इफ्तार का कुछ सामान भी घर पर ख़त्म हो गया था. तो सबसे पहले ज़ैना और मैं फ्रूट के सेक्शन में आ गए, और ज़ैना ने क्योंकि देखा कि मॉमी शूट में बिजी हैं तो उसने वॉलंटियर किया कि वो शॉपिंग में मेरी हेल्प करेगी. तो सबसे पहले हमने फ्रूट चाट के लिए एप्पल्स और बनाना खरीद लिए. उसके बाद ज़ैना ने अपना स्नैक खरीदा जिसको वो बहुत शौक से इंजॉय कर रही है. और आज मैं फर्स्ट टाइम अपना कस्टर्ड फुल फैट मिल्क में नहीं बल्कि हाफ एंड हाफ में बनाऊंगी. ये मुझे रिसेंटली हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया था. ऑनेस्टली एक डिज़र्ट बोल के लिए मैं ना सिर्फ होम सेंस और वॉलमार्ट बल्कि विनर्स भी गई थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल सका. और अब डिसअपॉइंटेड होकर मुझे मेरा वो रेगुलर वाला बोल ही यूज़ करना पड़ेगा, जो कि इतना बुरा भी नहीं है, बस वो मुझे इतना थोड़ा फैंसी नहीं लगता, और मुझे वो फैंसी वाले बोल का बहुत शौक है. अच्छा, ये डिज़र्ट मैं रात को इसलिए बना रही हूँ ताकि ये ओवरनाइट ठंडा हो जाए, और ऑनेस्टली ठंडा ठंडा कस्टर्ड खाने का अलग ही मज़ा है. तो इसमें मैं 2 जेली के पैकेट्स यूज़ करूँगी जिसमें एक एप्पल और दूसरा बनाना फ्लेवर है, और यही वाले फ्रूट्स भी मैं इसी में डालूंगी. मैं हमेशा बस यही 2 बेसिक से स्टैंडर्ड जेलीज और फ्रूट्स यूज़ करती हूँ. वैसे मेरी अम्मी जो मैंगो वाला कस्टर्ड बनाती थी वो भी बहुत अच्छा बनता था. सबसे पहला स्टेप, आप अपनी जेलीज बना लें क्योंकि उसको ठंडा होने में और सेट होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है. और मैं हर जेली में 2-2 कप पानी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जेली आपको ना सिर्फ लेयरिंग के लिए बल्कि ऊपर डेकोरेशन के लिए भी चाहिए होगी, तो थोड़ी सी ज़्यादा ही बन जाए तो बेहतर है. तो जेली मेरी रेडी है और उसको रूम टेम्परेचर पर आते ही उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी.
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपना डिज़र्ट आज लाइफ में फर्स्ट टाइम हाफ एंड हाफ में बना रही हूँ, जो मैंने 2 लीटर लिया है। हाफ एंड हाफ इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फुल फैट मिल्क एंड क्रीम, तो ये रेगुलर दूध से ज़्यादा काफ़ी गाढ़ा होता है और आपके डिज़र्ट को काफ़ी क्रीमी टेक्स्चर देगा, लेकिन आप इसको रेगुलर मिल्क में भी बिल्कुल बना सकते हैं। दो लीटर दूध के लिए मैं 10 टेबलस्पून कस्टर्ड को पानी में मैंने घोल लिया और बस इसी दूध और कस्टर्ड के रेशियो से मेरा बेहतरीन डिजर्ट बन गया। अब इसमें डलेगा पाउंड केक जो मैं वॉलमार्ट से ही लेकर आई थी, और मेरे हस्बैंड इसमें से थोड़ा सा खा भी चुके हैं। आपके पास 3 से 4 स्लाइसेस काफ़ी हो जाएंगे जो आपको बहुत पतला पतला काटना है, और ये केक इतना सॉफ्ट और टेस्टी था ऑनेस्टली कि मेरे तमाम पीसेस कटिंग में ही टूट गए। और डिज़र्ट बनाने के साथ साथ अपनी लॉन्ड्री भी करती जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से ज़ैना की स्नो पैंट्स मुझे वॉश करनी थी, क्योंकि यहाँ पे अब स्प्रिंग स्टार्ट हो चुका है और तो स्नोफॉल रुक चुकी है, लेकिन आप इसको एक काइंड ऑफ खुशफहमी ही समझिए, क्योंकि सर्दी जाते जाते एक दो झटके ज़रूर देती है। जब आपका दूध अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें 1.5 कप चीनी मिला के फ़ौरन से चमचा चलाएँ ताकि वो तले में ना लग जाए। और आखिर में आपके कस्टर्ड की बस एक ऐसी क्रीमी और रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होके भी गाढ़ा होता है। अब एक ग्लास में आपको 1 कप जितना दूध लेना है और उसको गर्म कर लेना है, लाइक बिल्कुल खौलता हुआ आपको उसको गर्म करना है। अब मैं आती हूँ असेंबलिंग की तरफ। कस्टर्ड को मैंने 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए साइड पर रख दिया था। तो इसमें 2 लेयर्स बनाएंगे हम। 2 किलो दूध में 2 लेयर्स आपकी आसानी से बन जाएंगी। तो सबसे पहले लेयर होगी कस्टर्ड की। अब जो पाउंड केक आपने स्लाइस करके साइड पे रखे हुए थे वो अब आप कस्टर्ड के ऊपर रखें। आपके स्लाइसेस बिल्कुल पतले पतले होने चाहिए और केक आपका सादा वाला होना चाहिए, लाइक प्लेन पाउंड केक, वनीला वाला। अब जो दूध मैं गर्म करके रखा हुआ था मैंने साइड पर, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने केक के ऊपर डालूंगी। इस प्रोसेस के जरिए आपको केक को सॉफ्ट और सॉगी करना है, इसीलिए आपके दूध का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। जेली मेरी ठंडी हो चुकी है और अब मैं उसको छोटे छोटे डायगनल पीसेस में काट रही हूँ। आप कोई से भी शेप बना सकते हैं, बस यू हैव टू मेक श्योर योर डिजर्ट लुक्स प्रिटी इन द एंड एंड नॉट सम सॉर्ट ऑफ अ खिचड़ी। केक के बाद अब एक एक करके अपनी जेलीज ऐड करें। बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी ही ऐड करनी है आपको। फ्रूट्स में मैं बस बनाना और एप्पल्स ही डालूंगी, और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि फ्रूट्स आप फ्रेश उसी वक्त काट के डालें। पहले से अगर आप काट के रखेंगे तो ये काले हो जाएंगे। एंड यस, आपको एप्पल का छिलका ज़रूर उतार लेना है। और बस ये प्रोसेस आपको एक बार फिर से पूरी रिपीट करनी है। और अब सबसे आखिरी लेयर आपको कस्टर्ड की बनानी है कि आपकी सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएं। और आखिरी में आती है डेकोरेशन, जिसकी मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। बस कुछ भी आप अच्छा सा पैटर्न बना लें इसके ऊपर। शादी और बच्चे से पहले जब मैं बहुत फरागत मेरी ज़िंदगी में होती थी, तब मैं कटर से जली काट के बहुत ख़ास पैटर्न बनाती थी, लेकिन अब ना इन चीज़ों का टाइम है और ना ही हिम्मत है ऑनेस्टली। तो अब आप यहाँ कोई भी फनकारी दिखा सकते हैं। और ये है दूसरे दिन की वीडियो। मैं बस दावत की तैयारी ही कर रही हूँ। पहले मैंने ज़ैना के कपड़े प्रेस किए और अब मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। हमारे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स हैं इमरान भाई, उनके घर पर दावत है और हम वहीं जा रहे हैं, जो बिल्कुल हमारे दोस्त नहीं बल्कि अब फैमिली की तरह हो गए हैं। ये डिज़र्ट मैं लेकर गई उनके घर पर, तो उन सबको बहुत पसंद आया था, सबने बहुत तारीफ़ की थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट और ख़ास बात यह है कि मैंने ये डिज़र्ट चखा भी नहीं था, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करी हूँ कि मैं मीठा अवॉइड करूँ, तो इसलिए फिर मैंने नहीं चखा था। लेकिन जिन जिन ने खाया था उन सबने बहुत तारीफ़ की थी।
मैं भी बस अब तैयार होने लगी हूँ और मेकअप मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही क्योंकि वजू के लिए आपको वैसे ही मेकअप रिमूव करना पड़ता है, तो बस ऐसी लाइट सा थोड़ा सा मैं अपने फेस के ऊपर प्राइमर और थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ एंड आई एम ऑल गुड टू गो। और फाइनली हम सब तैयार होकर निकल ही गए और आज वेदर बहुत सनी है और सर्दी भी थोड़ी कम है। इनका घर ओशोवा में है जो हमारे घर से आई गेस 50 से 55 किलोमीटर्स दूर है और वहाँ पहुँचने में हमें 40-45 मिनट ज़रूर लग जाते हैं। और जैना को उनके घर जाना सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं और इनके एज ब्रैकेट के और भी फ्रेंड्स हैं, उनके भी बच्चे आते हैं और सब जैना के एज ब्रैकेट के बच्चे हैं, तो सबसे ज़्यादा जैना खुश होती है इनके घर जाने के लिए। क्या हाल है आप लोगों के? और ये आप देख सकते हैं कि जैना इस वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ कितना एंजॉय कर रही है और सारे बच्चों बिल्कुल एक महफिल बनाकर बच्चे यहाँ पर बैठे हुए और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और फिर थोड़ी देर में रोज़ा खुलने का टाइम हो गया और उन्होंने इफ्तार के अंदर बहुत अच्छा अहतमाम किया था, हमेशा की तरह उन्होंने बहुत तकल्लुफ़ कर लिया था और बहुत अच्छी उन सब ने इफ्तार बनाई थी। और इफ्तार के बाद मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर सकी और बस अब हमारा जाने का टाइम हो गया है। निकलते ही रात के 11 बज गए थे और जैना आने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, और क्योंकि जैना अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल भी गुड बाय नहीं कहना चाहती, जैना को बस दिल करता जैना हर वक्त खेलती रहे। और दावत बहुत अच्छी हो गई थी और मैंने काफ़ी सारी ओवर ईटिंग भी कर ली थी। तो बस आज के लिए यही मेरा ब्लॉग था फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।